और इसको पार्टी को भी मजबूत करना है, और आप लोगों का सम्मान करने में हमें जो 10 दिन लग गए उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि पत्रकार कहाँ है, चौथा स्तंभ है, उसका भी सम्मान जरूरी था। जिला अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन बाकी आपने कार्यकारिणी कहाँ बनाई? कार्यकारिणी 16 दिन रह गए हैं। जी, कार्यकारिणी तैयार है हमारी, ये कार्यकारिणी आपको दिख रही है, सामने रीढ़ की हड्डी बैठी है, हमारी रीढ़ की हड्डी जमीन तक तैयार है। अध्यक्ष महामंत्री कहाँ है? सब कुछ तैयार है, बस लिस्टेड नहीं हुआ है। 16 दिन के बाद लिस्टेड नहीं हुआ है, सबको जिम्मेदारी सौंपी। झंडा बैनर कहीं दिखाई नहीं, झंडा बैनर सब कुछ है, झंडा बैनर से कुछ नहीं होता। जमीन पे देखिए, जमीन पे हमारी पार्टी मजबूत है और हम चुनाव जीतेंगे। सपा है कांग्रेस? नहीं सर, ऐसा कांग्रेस ये कहना बाकी है, कांग्रेस को रूमर उड़ाने के लिए कोई उड़ाते हो, कांग्रेस भूत तक मजबूत। जमीनी स्तर पे कोई काम ही नहीं है? जमीन स्तर पे काम है सर। क्या काम है वो ये बताइए। एक साल बरौली घूमा, बूथ लेवल पे कार्यक्रम कर रही है जी, मतलब निचले स्तर पे कम से कम अलीगढ़ में ही कई कार्यक्रम हो चुके हैं बूथ लेवल पे, आप बूथ लेवल पे पहुंचे ही नहीं? बूथ लेवल पे नहीं, बरौली विधानसभा जाइए, ये कहना ठाकुर स्वामी सिंह बरौली में कितने दिन घूमे? एक साल घूमा। देखिए घूमने से बात नहीं हो रही, बूथ है, बूथ की बात है, बूथ प्रभारी 50,000 मोबाइल नंबर मेरे पास ऑलरेडी। अलीगढ़ लोकसभा में कितने बूथ है? पता नहीं मेरे पास है, और कौन रखेगा? अध्यक्ष जी, जिला कांग्रेस कमेटी का जिला अध्यक्ष बनाया गया तो मेरे पास जिला कमेटी और शहर कमेटी दोनों हमारी हैं मौजूद। अब ये नया दायित्व बिल्कुल काम करेंगे। अच्छा अध्यक्ष जी, बिल्कुल करेंगे, नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। जी अलीगढ़ में कितने लोकसभा में कितने बूथ हैं? है जी कितने बूथ हैं अलीगढ़ लोकसभा में? लोकसभा में 2000 से कुछ सब देखे, 2000 कितने प्रभारी नियुक्त हो गए आपके? कितने प्रभारी नियुक्त हो गए? 2121 है जिसमें हमारे प्रभारी, अभी देखो बरौली विधानसभा, कोट विधानसभा और अतरौली ये तैयार है, खैर में हमारा कार्यकर्ता लगा हुआ है। सपा का कहना है कि कांग्रेस उनका साथ में नहीं, चुनाव में शहर में नहीं खड़ी हुई है, अपने घर बैठ गए सपा कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता अपने घर बैठ गए चुनाव में। ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत गलत अफवाह उड़ाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस जी को हुआ है, कल भी हम लोग लाइन पर कांग्रेस और ज्यादा तरीके से लगा रहे हैं। कल हम लोगों ने वहाँ वोट मांगा है, वहाँ हमारा स्वागत समारोह भी हुआ है, अभी हम लोग नए बन का आए, अब हमने संभाला है, चार हमने अपनी पूरी लिस्ट बना रखी है, हमारे पदाधिकारी यहाँ पे भी मौजूद है, लेकिन हमने अभी लिस्ट आउट नहीं करी है क्योंकि हम लोग चुनाव में लगे हुए हैं। हमारी पूरे भी कमेटी तैयार है और बूथ स्तर पे भी काम हो रहा है, 92 में से कम से कम 80 बूथों पर अब तक वार्ड अध्यक्ष बना चुके हैं, हमारे लोग मजबूती से काम कर रहे हैं, और हमारा कैंडिडेट आप देखिए कम से कम 1,00,000 वोटों से ऊपर से जीत के आएगा। ये हम लोग जमीन पर जो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। हमको जो जिम्मेदारी दी गई है, हमको सबसे पहले जिम्मेदारी ये दी गई है कि हम अपने कैंडिडेट को जिता कर लेकर आए। बूथ स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, सभी वार्डों में काम हो रहा है। कम से कम अभी मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, 60 लोग कम से कम वार्ड अध्यक्ष बना चुके हैं, और सिर्फ हमें अभी 1 हफ्ता बनवाए बने हुए, उसके बावजूद हम हर जगह वोट मांग रहे हैं। हम जो जिस दिन पर्चा भरा गया उस दिन साथ थे सांसद जी के, उनके हाउस पे भी पहुंचे और हम पर्चा भरवाने के साथ में कांग्रेस उनके साथ खड़ी हुई है। कांग्रेस को लोग इस तरीके से, जैसे आपने प्रश्न किया कि कांग्रेस कहाँ है, कांग्रेस हर जगह दिख रही है। ये मीडिया जो है कांग्रेस को दिखाना नहीं चाहती, मीडिया जो है एक पार्टी के लिए खड़ी हुई है, सिर्फ दूसरे लोगों को दिखाना ही नहीं चाहती है। मीडिया अगर सही से दिखाए तो बीजेपी तो धरा स्तर पर बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। आप देखिए मीडिया से, आपके स्तर से ये बात कह रहा हूँ कि हर हालत में हमारा कैंडिडेट जीत के आया गठबंधन का, और कांग्रेस का वोट पूरा उनके समर्थन में है, और कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी और हमारे कांग्रेस के जो मेन लीडर हैं बंसल जी, हम लोग सब लोग एक साथ मिलकर उनका साथ दे रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मीडिया आने वाले थे बंसल जी, अभी तक बंसल जी किसी वजह से जाम में फंसे हुए हैं, 5-10 मिनट वो भी आपके बीच में होंगे, सिर्फ 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट के अंदर वो भी आपके बीच में होंगे। अच्छा अध्यक्ष जी, ये कांग्रेस अभी तक गुटबाजी से ऊपर नहीं उठ पाई है, कई सारे कार्यकर्ता यहाँ है, गुटबाजी खत्म करेंगे हम लोग, इसी में भी काम करेंगे। कितना टाइम लग जाएगा आपको गुटबाजी खत्म करने में? खत्म है गुटबाजी, दोनों अध्यक्ष तो बनते ही खत्म कर दिया, हमारा कोई गुटबाजी नहीं है, मतलब है हमारे सब लोग यहां मौजूद हैं और सब रहेंगे साथ। है जी स्टार प्रचारक कौन कौन है? स्टार प्रचारक सलमान खुर्शीद आ रहे हैं हमारे यहाँ, और अविनाश पांडे जी आ रहे हैं, वेगवंशन जी उनके साथ रहेंगे, और उसके बाद जो भी प्रचार पार्टी आएंगे आपको बता दिया जाएगा। अभी जो हमारे पास सूचना है वो ये है, 3-4 लोग अलीगढ़ में रहेंगे, जो आगे लिस्ट आएगी वो आप लोगों को सबको बता दिया जाएगा। दिल्ली में मीटिंग थी, वहाँ से हमें निर्देश हुआ है कि चुनाव ये जीतना है हर हाल। अविनाश पांडे जी माननीय,
सलमान खुर्शीद साहब थे और वहाँ हमारे तौफीक आलम साहब थे, वहाँ हमने देखिए पूरे देश का चुनाव है, पूरे देश का चुनाव है, जिम्मेवारी जरूरी नहीं कि हाई फाई लीडर वहाँ से ही आए, यहाँ हमारे कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं। ये चुनाव लेफ्ट जीतना, जिस दिन हमारे किसान शक्ति पर्चा भरने गए थे उस दिन हुड्डा जी भी आए थे और हमारे राज बब्बर जी भी आए थे, वो भी दोनों कांग्रेस के ही कैंडिडेट थे, वो दोनों ही कांग्रेस के कैंडिडेट थे, हुड्डा जी भी आए थे। मेरा मैदान बैठन दो भाई, इस टाइम कोई मीटिंग हो नहीं रही है। सच है हम लोग कैंडिडेट खड़ा करने से क्या आपके गठबंधन उम्मीदवार को फायदा मिल रहा है? ब्राह्मण हमें भी मिल रहा है, ब्राह्मण हमें भी मिल रहा है, हमारे यहाँ कोई एक जाति का वोट थोड़ी मिलता है, हमें सारी जाति, हमारे सभी जातियों का वोट मिलता है और सभी जातियों का हम सम्मान करते हैं। जाति तो दूसरे दल करते हैं जातिवादी की बात, कांग्रेस ने हमेशा देश की एकता और अखंडता के लिए काम किया है, एकता अखंडता के पीछे हमारे दो दो प्रधानमंत्री शहीद हुए हैं। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी गठबंधन से चौधरी विजेंद्र सिंह लड़ रहे हैं, क्या आपके नेता मुलाकात करने जाएंगे? आपके नेता अलीगढ़ के नेता भी गए हैं।